गुड आफ्टरनून एट क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पार्ट 8 भारत में नई क्रांति का संचार को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। जैसे जैसे भारत के लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, वैसे वैसे एक नई क्रांति का संचार होता गया। भारत में अनेक साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, न्यायाधीश, अध्यापक एवं शिक्षित समाज का, मतलब कि पढ़े लिखे समाज का विस्तार होने लगा। इन लोगों में से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इंग्लैंड में ही शिक्षा प्राप्त की थी। इन लोगों ने जो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था थी उसको, ठीक है, उसके मुकाबले भारतीय व्यवस्था को निम्न स्तर का माना, मतलब नीचे स्तर का माना। इन्हीं में से कुछ लोग इस व्यवस्था के सुधार के पक्षधर बने। उन्होंने सोचा कि इस व्यवस्था में सुधार आना चाहिए एवं लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने लगे। ठीक है, उनको लोगों को बताया कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके आए इन लोगों ने ही भारतीयों में असंतोष की भावनाओं का विकास किया, जो राजनीति मंच के ऊपर उभरने लगा। इन लोगों ने विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनका नेतृत्व किया। देखिए बच्चों, प्रेस एवं साहित्य का योगदान। जो प्रेस और साहित्य है, ठीक है, इसने भारतीय जनता में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना का संचार किया। ठीक है, और इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना का संचार करने में। अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन कई बड़े बड़े विचारकों द्वारा किया गया, जिन्होंने भारतीय समाज की भावनाओं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रकाशन किया एवं दूर दराज के क्षेत्रों तक सरकार द्वारा अपनाई नीतियों की आलोचना की। जिस तरह से जो सरकार है, ठीक है, वो नीतियाँ अपनाती थी, उनकी आलोचना की। इससे भारत में जन आंदोलन का आधार तय करने में समाचार पत्रों ने सफलता प्राप्त की। ये समाचार पत्र लोगों को अन्य देशों में होने वाली राजनीतिक हलचल, आर्थिक विकास एवं उनकी नीतियों के संबंध के बारे में अनेक लेखों, ये जो समाचार पत्र था, अनेक लेखों से भरे होते थे। ठीक है, इस समाचार पत्रों के द्वारा लोगों को देश विदेश में हो रही, ठीक है, आर्थिक विकास, राजनीति की हलचल के बारे में भी पता लगने लगा। इन्हें पढ़ने के बाद भारत की जनता भी अपने देश में अन्य देशों के समान ही परिवर्तन के सपने देखने लगी। जैसे जैसे और देशों में परिवर्तन हो रहा था, आर्थिक विकास हो रहा था, ठीक है, राजनीतिक विकास हो रहा था, ठीक है, उस तरह भारतीय समाज के जो लोग थे वो भी सपना देखने लगे अपने, उनके ही समान अपने देश में परिवर्तन के। ठीक है, अब है आर्थिक भिन्नता। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति या राष्ट्रवादी भावनाओं को उकसाने वाला अन्य कारण थी। ठीक है, देखिए बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में विस्तार के पीछे अंग्रेजों द्वारा भारतीय बाजार पर कब्जे करने की नीति थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के जो बाजार हैं उन पर कब्जा करना चाहा। वो भारत के लोगों से कच्चा माल बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदने लगे और तैयार माल को महंगे दामों पर बेचने लगे। तो भारतीय जो इससे भारतीय व्यापार की आर्थिक दशा थी वो बहुत ही खराब होने लगी। ठीक है, बहुत बिगड़ने लगी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की सभी नीतियाँ, जितने भी अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की नीतियाँ बनाई थी, वो सिर्फ अंग्रेजों के हक में होती थी। उन नीतियों से सिर्फ अंग्रेजों का ही अच्छा होता था, अंग्रेजों को ही फायदा होता था। ठीक है, जिनमें कृषि नीति, उद्योग नीति, वित्त एवं करों, करों मतलब होता है टैक्स का संग्रहण, मतलब कि जितने भी टैक्स थे उनको जमा किया जाता था, बैंक व्यवस्था आदि का जो लाभ था वो अंग्रेजों के लिए ही था। मतलब कि देखो, कृषि नीति से जो पैसा आता था, उद्योग नीति से वित्त और जो भी टैक्स की संग्रहण होता था, मतलब कि टैक्स जमा होता था, ठीक है, बैंक व्यवस्था जो थी वो सभी किसके लिए थी, अंग्रेजों के फायदे के लिए ही थी। ठीक है, अंग्रेजों को फायदा होता था इससे। भारतीय समाज शोषण का शिकार हो रहा था, अतः अनेक भारतीय मूल के नेताओं ने इस आर्थिक असमानता एवं व्यापार पर अंग्रेजों का एक छत्र राज समाप्त करने की मांग करनी आरंभ कर दी। जब भारतीय लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, तो इन्होंने जो है
असमानता एवं व्यापार पर अंग्रेजों की एक छत्र राज समाप्त करने की मांग शुरू कर दी। ठीक है, अब है नस्लीय असमानता। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज को निचली श्रेणी का माना जाता था, मतलब कि अंग्रेज जो है वो भारतीय समाज को बिल्कुल निचली श्रेणी का मानते थे। इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, ठीक है, ऐसी रखी जाती थी जहां भारतीयों का प्रवेश निषेध होता था। ठीक है, जो जो अंग्रेजों ने क्लब बनवाए थे, ठीक है, उनके अंदर भारतीयों को नहीं जाने दिया जाता था, भारतीयों का जाना वहाँ निषेध था। ठीक है, यहाँ तक कि रेलगाड़ियों में भी भारतीयों के लिए निम्न स्तर के कोच बनाए जाते थे, ठीक है, एवं अंग्रेजों के लिए विशेष कोचों की व्यवस्था की जाती थी। देखो, वहाँ पर जब रेलगाड़ियाँ चली तो वहाँ पर जो भारतीय लोग थे उनको, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल निम्न स्तर का, उनको कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पर कोई बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ऐसे कोच दिए जाते थे निम्न स्तर के, और उन्होंने अपने लिए अच्छे कोच बनवाए जहाँ पर उनको सब सुविधाएं प्राप्त थी, वो उठ बैठ सकते थे, लेट सकते थे। ठीक है, अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो आप जानते हो कि रेल की यात्रा बहुत ही आरामदायक होती है, तो वहाँ पर उनको सब चीज़ उपलब्ध थी बजाय भारतीय जनता के। देखिए बच्चों, प्रथम श्रेणी में केवल अंग्रेज ही यात्रा कर सकते थे। ठीक है, फर्स्ट कोच में सिर्फ अंग्रेज ही यात्रा कर सकते थे। इसी प्रकार के नस्लीय भेदभाव ने भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास किया। ठीक है, और लोग इस असमानता का विरोध करने लगे जो उनके साथ ऐसे असमानता हो रही थी। ठीक है, भारतीयों को जो अंग्रेजों ने क्लब बनाए थे वहाँ पर उनको उनका जाना जो वर्जित था, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, वहाँ पर उन्हें रेलगाड़ी में निम्न स्तर का कोच दिया जाता था, उनके लिए उनके साथ जो ये असमानताएं हो रही थी उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 19वीं शताब्दी के मध्य से ही अनेक संगठनों का गठन होने लगा, परंतु ये सभी संगठन क्षेत्रीय स्तर पर ही कार्य करते थे। विशेष रूप से इन संगठनों का गठन भारत के मुख्य नगरों कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि में ही किया गया। इन संगठनों में वैचारिक असमानता थी एवं पूरे राष्ट्र पर अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे थे। ठीक है, ये ऐसा काम कार्य कर रहे थे कि जो है पूरे राष्ट्र पर अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे थे, अतः एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो संपूर्ण राष्ट्र के हितों के सुरक्षा कर सके। ठीक है, जो भी भारतीय जनता के हित में है उसकी सुरक्षा कर सके। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे यही उद्देश्य था। इसका पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया। इस संगठन में केवल शिक्षित एवं बुद्धिजीवी वर्ग का ही हस्तक्षेप था। ठीक है, इसके अंदर जो भी थे, इस संगठन के अंदर जितने भी लोग थे वो शिक्षित थे और बुद्धिजीवी थे। ठीक है, इसके ध्येय अस्पष्ट थे। इन लोगों की सोच पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था। इस संगठन के संस्थापक भी ए ओ ह्यूम थे, परंतु 1885 में ही हुए मुंबई अधिवेशन के बाद डब्ल्यू सी बनर्जी को इस संगठन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ठीक है, इस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी, काशीनाथ एस सुब्रमण्यम अय्यर, गणेश अगरकर और व्योमेश चटर्जी जैसे नेताओं ने भाग लिया। इन संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। अब इस संगठन में कृषि वर्ग, नौकरी पेशा एवं व्यापारी वर्ग की हिस्सेदारी भी हो गई। अब इसके अंदर कौन कौन हिस्सेदारी करने लगे, कृषिक वर्ग, नौकरी पेशा और व्यापारिक वर्ग, ये सभी जो है इस संगठन में शामिल हो सकते थे। तो देखिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जितना पाठ मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा पाठ आपको अपने होमवर्क से रीड करना है, ताकि आप इन पैराग्राफ्स को और अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू।